हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट को किसी पर्टिकुलर फोल्डर में कैसे मूव कराते हैं। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने गूगल स्प्रेडशीट पे हमने कुछ डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। अब अगर इस शीट को हमें किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मूव करना है तो हमको देखिए यहाँ पर जाना होगा। ये देखिए एकदम टॉप साइड में आपको तीन अलग अलग एरो सॉरी तीन अलग अलग आइकन दिखेंगे। पहला स्टार है, दूसरा ये देखिए छोटा सा एरो बना हुआ, तीसरा टिक मार्क है। तो हमको ये दूसरे वाले पे क्लिक करना है। तो जब कर्सर आप यहाँ ले जाएंगे, देखिए अब नीचे मूव लिख करके भी आ रहा है। ठीक है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फोल्डर्स का ऑप्शन आपको देगा जो आपने ड्राइव में बनाए होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें से किसी में मूव करना, तब तो सिंपल है कि आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि अगर इसमें से कोई फोल्डर नहीं और आपको नया फोल्डर बनाना है, तो ये देखिए नीचे प्लस का साइन आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से फोल्डर का नाम दे दीजिए। मान ली हम दे देते हैं यहाँ पे डॉक्स 3। ठीक है, डॉक्स 3 हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए टिक मार्क ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। तो ये देखिए ये फोल्डर हमारा बन गया। अब नीचे देखिए मूव हियर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सॉरी, ये देखिए मूव हियर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये देखिए टूडेज वर्क बुक, यानी इस शीट का नाम है टूडेज वर्क बुक हैज़ बीन मूव फ्रॉम माई ड्राइव टू डॉक 3। ठीक है, ये देखिए यानी कि डॉक 3 में ये मूव हो गया। अब इस फोल्डर को क्लिक क्लिक करके आप ये फाइल अपनी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ये स्प्रेडशीट अपनी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गूगल स्प्रेडशीट को किसी पर्टिकुलर फोल्डर में मूव करते हैं।